अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम सुबह से ही पंचकुला की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। कुछ जगह पर आपने देखा कि जनता बात छुपा रही है, कुछ जगह पर जनता ओपनली आ रही है, और आज हमारा सौभाग्य है कि JJP की पार्टी से जो अपने जिला प्रधान हैं श्री OP सिहाग जी, और इनसे मुलाकात हो रही है क्योंकि ये EO भी रहे हैं यहाँ पर इस नगर परिषद में। सिहाग साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, और मैं आपके चैनल का बहुत स्वागत करता हूँ। सिहाग साहब, आप ये बताइए, हम आज पॉलिटिकल बात तो नहीं करेंगे, लेकिन नगर परिषद में आप EO भी रहे हो, आपको जो इस शहर की नब्ज पता है, और ये भी सबको पता है कि एक बात मैं बताना जरूर फर्ज समझूंगा क्योंकि मीडिया निष्पक्ष होता है, लेकिन वो बात जरूर बताऊंगा जो वाकई सच्चाई है। सिहाग साहब की ट्रांसफ़र हो गई थी और सारे के सारे पार्षद इकट्ठा होकर गए थे कि इनकी ट्रांसफ़र ना करो, यानी इस तरह के ईमानदार छवि के जजपा के जिला अध्यक्ष हैं। और सिहाग साहब, ये थे लोकल मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप पार्टी में उतरे हो यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शहर है, आपका ध्यान हो 2003-04 में मोहली से आगे था, और कहीं न कहीं पीछे 10 साल कांग्रेस का राज रहा तो डाउन हुआ, अब हमारे से मोहली आगे निकल गया है। तो सबसे बड़ी जो बात हम चाहते हैं कि पंचकुला का जो स्टेटस है, क्योंकि ये डीम्ड राजधानी है और मोहाली से और चंडीगढ़ से ऊपर होना चाहिए, यहाँ स्कोप बहुत हैं। जहाँ लोकल मुद्दों की बात करें हम, उसमें सड़कों की बात है, सीवरेज की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है, पार्क हालांकि अच्छे मेंटेन हमें पीछे किए हुए हैं, तो और नए पार्क, बड़े पार्क डेवलप करने की बात है, वो तो मुद्दे हैं ही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है कि ये क्योंकि डीम राजधानी है हरियाणा की, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उस हिसाब से नहीं है जो होनी चाहिए, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक एजुकेशन हब का भी यहाँ बड़े स्कोप हैं, क्योंकि 3-4 स्टेट्स के लोग यहाँ, पंजाब साथ लगता है, हिमाचल है, UT हो गई, हरियाणा तो है ही है, तो एक बड़ा स्कोप है यहाँ, और जगह बहुत बड़ी है, क्योंकि चंडीगढ़ तो अब ख़त्म हो गया, जगह तो है नहीं कोई, तो इधर ही बस्ती है बरवाला साइड में या मोरनी साइड में या पिंजौर साइड में, तो एक मेडिकल, जैसा मैंने कहा, मेडिकल हब हो, एजुकेशन हब हो, इसके अतिरिक्त यहाँ क्योंकि सारा हिमाचल आगे शुरू होता है, गेटवे ऑफ हिमाचल लगा लो, हिमाचल से आते हैं तो हरियाणा, और लाखों टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं सारे हिमाचल में, तो एक टूरिस्ट हब बन सकता है ये पंचकुला, और जिससे लाखों लोगों का रोज़गार यहाँ चले। इसके अतिरिक्त लकीली वी आर लक्की कि एकमात्र नदी ढंकी सी थोड़ी है जो घग्गर यहाँ से शुरू होती है, घग्गर यहाँ से जा रही है, तो घग्गर को अच्छी ढंग से डेवलप किया जाए, यहाँ के पानी को स्टोरेज किया जाए, इसके जो किनारे हैं उनको बड़ा पक्का करके और चैनलाइज किया जाए इसको, और एक बड़ा बहुत जहाँ यहाँ टूरिस्ट आए हो रहे हैं तो इसको वो किया जाना ज़रूरी है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ घग्गर नदी। दूसरा, यहाँ पर नाले गुजरते हैं शहर के बीच में से दो, उनको ब्यूटिफाई किया जाए, वहाँ पर इस टाइप की सपोर्ट बनाए जाएँ, छोटी छोटी मार्केट शाम को टाइम खुले हैं और लोगों के लिए पिकनिक के लिए रूप में यूज़ हों। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिसमें रोज़गार बढ़े, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं आएंगी तब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। सिहाग साहब, आप ये बताइए, आप जो, आई थिंक अगर मैं ठीक हूँ तो, जो सबसे पहली नगर परिषद थी उसके EO आप ही थे? हाँ, मैं ये थोड़ा बता दूँगा आपको, 25 जनवरी 2001 को डिक्लेयर हुई थी नगर परिषद यहाँ, और 29 जनवरी 2001 को मैंने एज EO ज्वाइन कर लिया था। मैं गुड़गांव था, पहले गुड़गांव पोस्टिंग थी मेरी, तो और उसके बाद में मेरा यहाँ लगभग 10 साल के करीब मेरी पोस्टिंग रही है, 6 बारी मेरा आना जाना हुआ है, और मतलब एक एक ईंट जो लगी है यहाँ MC की तरफ से, या जो डिपार्टमेंट सारे जो जो काम करता हो रहा है, मुझे हर चीज़ का पता है, और क्या कमियाँ हैं वो भी पता है, और कैसे आगे वो ठीक हो सकती हैं ये भी पता है। तो आपने, आपके कार्यकाल में काम बहुत हुए थे, लेकिन उसमें से कौन सा कार्य काम जो आपके दृष्टि से रह गया था, और जबकि दूसरे रूप में आके आप पूरा करने जा रहे हो, वो बताइए आप। आपने बड़ा, पहले आप ऑफिसर थे, लेकिन अब वक्त के साथ दशाएं बदल जाती हैं, अब आप पॉलिटिकल लीडर बन गए हो, वो जो काम था, जो कोई एक काम रह गया था आपसे, वो काम वो बताइए, वो आप कैसे, कौन सा काम था जो आप कैसे पूरा करोगे? देखिए, नो डाउट बहुत काम हुए हैं। सबसे बड़ा रोड जो तो चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सीवरेज का है, लाइट का है, और पार्क जो एक मेंटेन हमने किए थे, जो एक सोसाइटीज़ बनाई थी डिफरेंट पार्क्स में, पार्क डिफरेंट सोसाइटीज़, ये सारी मेरी देन थी। 2002 में हमने शुरू किया था, प्रस्ताव पास कराया था, एट द टाइम एडमिनिस्ट्रेटर वाज देयर, और उसके बाद में लगभग 245 पार्क सोसाइटीज़ है, तो बड़ा अच्छा वो काम था। आप कह रहे हो रह कौन सा काम गया, इस शहर में जो दिक्कत हम झेल रहे हैं वो एक तो आवारा पशुओं की है, आवारा कुत्तों की है,
ये दिखते हैं जो आम लोगों को कहीं 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 दिखती हैं। दूसरा जो यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का है, जो जिस ढंग से हम ब्यूटिफिकेशन चाहते थे, जिस ढंग से ये शहर जो यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उस तरह पर यह शहर बना हुआ है, उड्डान बड़ा अच्छा शहर बनाया, नो डाउट। इसको ब्यूटिफाई ढंग से करना था, यहाँ के जो चौराहे हैं कुछ कोशिश की गई है, यहाँ के जो रोड। हुड्डा लीडर के हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्लियर कीजिए। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ हुड्डा डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, HSVP जो है वह, हाँ उनके तो दर्शकों को वो हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो दरअसल क्लियर कर दूँ, 10 साल के राज में ना, मैं बताया ना आपको, पीछे चला गया था। और अब जो दिक्कतें जो लोगों को आ रही हैं, एक तो मैंने बता दिया आपको, तो इसके लिए बाकायदा, क्योंकि गाय जो हम साहब कहते हैं माता है हमारी, लेकिन फिर भी बड़ा बुरा हाल हम देखते हैं सारा, तो उसके लिए हमने कोशिश की। उस टाइम एक वक्त ऐसा आया था कि हमने सारे जो गाय यहाँ पर आवारा, कुछ आवारा कम है यहाँ लोगों के जो छोड़ देते हैं, और हमने पूरा 2010 की बातें, 10-11 की बातें हैं, 10-11 की अगर याद है, 10-11, 12 तो पूरा डंडा चला के, और जितने लोग यहाँ घूमते थे गाय ले आवारा, या अपने गाय रखते थे नदियों किनारे या इन सेक्टरों में, उनको सबको यहाँ से भगा दिया था। अच्छा सयाग साहब, अब लोगों की आपने भी देखा होगा एक डिमांड आ रही है, जो घग्गरपाल डंपिंग ग्राउंड है, आपने भी देखा होगा, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्या उसको भी कहीं और जगह शिफ्ट करने के लिए प्रावधान रखा है? दरअसल वो बहुत अपना बड़ा वाजिब क्वेश्चन किया है ये, क्योंकि 2003-04 से मुद्दा चल रहा है। अच्छा। हमने बहुत जगह देखी, फिर झूरी वाला जो आगे दूसरी साइड में पड़ता रोड के, काफ़ी नीचे कम से कम 50-60-70 फुट गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने 12 एकड़ जगह ली थी इसने, HSVP ने, तत्कालीन रोड डिपार्टमेंट ने, और वहाँ के लिए पूरा प्रोजेक्ट सबको तैयार हो गया, टेंडर बीच में हो गए थे, फिर रुकावट आई थी, वो 66 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो लगने के बाद ये कोई इस टाइप की गंदगी या कूड़ा का इकट्ठा दिक्कत नहीं आएगी। अब जो कूड़ा जहाँ डल रहा है वहाँ की प्रोसेसिंग चल रही है, अब वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये लोग यहाँ के उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पार्टी जीतती है आपके गठबंधन में तो उसका कोई हल निकलेगा प्राथमिकता के आधार पर? यस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये, और क्योंकि बाकी कहीं जगह नहीं, यहाँ 1995 से डलता आ रहा है यहाँ पर कूड़ा, तो नो डाउट ये हमारी एक शहर की वाकई में दिक्कत रही है। और जिस ढंग से करते 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 और ये टेंडर अब लगभग उस पर हो गया है, फाइनल स्टेज पर है, तो मेरे हिसाब में अगले 1.5-2 सालों में ये इससे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो इससे छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। तो अभी तो हम बात कर रहे थे जो ऑफिसर थे श्री OP सिहाग जी, अब हम बात करेंगे पॉलिटिशियन OP सिहाग जी। सिहाग साहब, सबसे पहले तो आपका जो रिलेशन चौटाला फैमिली के साथ है, आपका गोत्र और उनका गोत्र एक है, नाम भी आपका काफ़ी हद तक OP मिलता है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि और कि जो पार्टी में जैसे पहले बातें चली थी कि मेयर के लिए आपके आपकी आपके बारे में बात चली थी, तो वो मुद्दा कहाँ पर अटक गया ये बताइए, क्योंकि आपको नहीं लगता था अगर आप कैंडिडेट होते तो अच्छी तरीके से कुछ बात बन सकती थी? नो डाउट, जहाँ तक आपने कहा कि मेरे पार्टी के, तो नो डाउट पारिवारिक संबंध तो चलो है ही हैं, लेकिन मैं आपके तो ज़्यादा ना, क्योंकि गोत्र भी एक है। नहीं नहीं, गोत्र की चलो उससे नहीं कि मैं राजनीति से लूँ कि गोत्र एक, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा बता दूँ अपने बारे में, मैं हरियाणा के छात्र नेता रहा हूँ और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और 1980 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का चीफ काउंसलर था, और 1982 में जो पूरी यूनिवर्सिटी उसके अपेक्स का पूरा प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन का, तो मेरी जो शुरुआत राजनीति की वो 79-78 से शुरू हुई है। यानी आप भी ताऊ देवीलाल राजनीतिक प्राथमिक पाठशाला के स्टूडेंट रहे हो? बिल्कुल, उस टाइम तो देवलाल जी हमें आशीर्वाद देने आते थे, और आपका याद हो एक न्यायुद्ध चला था, न्यायुद्ध हाँ चला था जल का, हाँ 85-86 में, तो उस वक्त 3 विंग थे उसके, तो देवलाल थे अध्यक्ष थे सारे ओवरऑल, डॉक्टर मंगल सेन जनरल सेक्रेटरी होते थे, और छात्र जो विंग थी पूरे न्यायुद्ध की रूपरेखा की, उसका मैं स्टेट का प्रेसिडेंट था संघर्ष समिति का, तो उस टाइम से छात्र राजनीति की, डॉक्टर अजय सिंह जी हैं और चोटला साहब तो मेरे गुरु रहे हैं, ओम प्रकाश चोटला जी, और चोटीलाल के साथ काम किया है, तो चौथी पीढ़ी के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे हरियाणा के लोग हैं, दुष्यंत को हम भी मिलते हैं, दुष्यंत का कद बिल्कुल ताऊ देवीलाल जी जैसा है, मुझे ये बताना कि दुष्यंत और ताऊ देवीलाल जी आप दोनों चार पीढ़ी के साथ काम किया आपने कहा अभी? बिल्कुल। तो आप मुझे बताना दुष्यंत और ताऊ देवीलाल में क्या सिमिलरिटी है, आपने दोनों को देखा नज़दीक से, ये बताना। ऐसा है कि लगभग 90% सिमिलरिटीज हैं, तो देवीलाल भी बड़े शांत स्वभाव के होते थे और बड़े टिके हुए राजनीतिज्ञ, अपनी बात के धनी होते थे, जो बात कहते थे बड़े सोच समझ के और बड़ा उसमें कहते थे, कद भी लंबा था, वही सेम क्वालिटीज दुष्यंत में है। दुष्यंत जो है भविष्य का सितारा है,
आज अगर हम नज़र डालें सारे भारत में तो इतनी छोटी कम उम्र का इतनी उम्र में जो एक लोकप्रियता हासिल की है और एक सोबर संयमित बड़े अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ और एक नई सोच है उनकी अपने डिपार्टमेंट उनके पास जो है आप देख रहे हो नई नई चीज़ें उन्होंने डिपार्टमेंट में बड़ा काफ़ी चीज़ें की हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना सियाग साहब आप बातें करें खुल के कर रहे हैं खुल के। तो मुझे ये बताना कि जिस दिन दुष्यंत एक दिन के लिए जो सीएम साहब गए थे बाहर विधानसभा में बैठा था तो उस समय आपको क्या लगा था? हमें वो ताऊ देवीलाल जी का अक्ष दिखा उस समय, हमें अपना भविष्य दिखाई दिया था भविष्य के सीएम। पर भविष्य के अंदर अब आपसे एक बात मैं और पूछूंगा जो सभी का डाउट है कि वह किसानों के मुद्दे में क्या पार्टी कहां तक प्रयत्न कर रही है ये क्लियर कीजिए, क्योंकि लोगों के मन में डाउट है कि दुष्यंत ताऊ देवीलाल जी की फोटो लगी हुई है लेकिन वो रास्तों से पीछे हट गए हैं। आप ये क्लियर कीजिए कि पार्टी अपने व्यक्तिगत लेवल पर हाई कमान या सेंटर से क्या काम कर रही है। नहीं नहीं थोड़ा सा लोगों की गलतफहमी है सर, छोटू राम कहा करते थे कि आपका जो काम कोई कर सकता है तो राज में रहकर किया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला जी लगातार प्रयास कर रहे हैं जो उनके बहुत दर्द है किसानों के लिए, क्योंकि किसान फैमिली से हैं, हम सारे किसान फैमिली से हैं, वो हमारी किसानों की जो पैरवी कर रहे हैं ज़्यादा के सेंटर के अंदर आप देखो पीछे आपने देखा होगा सभी मंत्रियों से राजनाथ सिंह जी को मिले सभी से डेली इसी में लगे हुए हैं भाई इस समस्या का हल निकले। सड़क पर बैठने से कोई अकेला हल नहीं निकलता, जो बंदा आपकी वहाँ जाके पैरवी कर रहा हो अगर वो मान लो लोग कहते हैं कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं अस्थिपति इधर आ जाए तो वो घूम ही रहे हैं बाकी लोग सारे और बाकी घूम रहे हैं दूसरी पार्टी के लोगों का अपना स्वार्थ है वो इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं ताकि तुम राजमा जो हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं इस्तीफा दो या दूसरे अभय सिंह एंड दूसरे कह रहे हैं वो चाहते हैं तुम मिलवा के तुम राजमा जाओ थोड़ा और वो नहीं है कोई किसानों की और हमदर्दी उनकी वो चाहते हैं छोड़ दें या आ जाए भाजपा सरकार चली जाए दोनों की और कांग्रेस आ जाए, उनका कोई किसानों से हमदर्दी नहीं है। लेकिन जिस ढंग से पैरवी दुष्यंत जी कर रहे हैं राज में रह के सभी नेताओं के पास जाके बता रहे हैं समझा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा। सियाग साहब ये हमने दुष्यंत की बात भी कर ली, आपकी ऑफिसर वाली बात भी कर ली, पॉलिटिकल भी बात भी कर ली, अब जो आप जनता में जा रहे हो जेजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं गठबंधन के तो अपने एरिया में आप भी कैसे लग रहा है रिस्पांस लोगों का कि ये बताइए पहले। देखिए हमें 4 सीट मिली है समझौते में और मैं सभी जगह जा रहा हूँ और बाकी जो 16 सीटें बीजेपी के पास और मेरे कैंडिडेट कुलभूषण गोयल जी हैं हम लगभग सभी जगह जा रहे हैं और कोई ये चक्कर नहीं है भैया जेजेपी के बीजेपी के सारे कार्यकर्ता दोनों पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 सीट हमारे गठबंधन की झोली में आ रही है। लोकसभा वाली कहानी रिपीट करोगे? मैं उसकी बात लोकसभा वाली 10 सीटें आई थी आप करें 20 चलो जिसको आई लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ अब हालात ये है कि लोगों को समझ में आ गई है। सबसे बड़ी बात मेयर के चुनाव की और मेयर भी इलेक्शन कैसे डायरेक्ट हो रहा है, पहले आपका ध्यान हो इंडायरेक्ट इलेक्शन पीछे हुआ था और जो पीछे मेयर थे बड़ी भारी आरोप लगे थे चर्चाएं थी भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी बड़ा भारी 2 नंबर का पैसा दलाली का पैसा कहीं ना कहीं दे दागे वो खरीद फरोख जो भी जैसा बना सबको पता है और उसके बाद में 5 साल कैसे गुजरे जो तत्कालीन मेयर रही हैं पीछे लड़ाई झगड़ा चिट्ठियाँ पत्थर घमंड परिवार का दखल बहुत ज़्यादा तो वो सारा उसी में बीत गया था और कहीं कोई काम हम जो करना चाहते थे उसमें रुकावट आती थी हालांकि फिर भी हम जब हम ऑफिसर्स थे यहाँ पर सरकार की मदद मिली काम बहुत हुए लेकिन उसने अपनी तरफ से हर जगह कहीं ना कहीं ट्राई की भी काम को रुकाया जाए कोई काम शुरू करते उससे पहले ही उसके प्रति साथ बातें थे दखल देते थे दफ्तर में सारा दिन बैठते थे इवन जो कर्मचारी जूनियर कर्मचारी थे उनको बाकायदा दफ्तर में बुला के धमकाया जाता था उनकी बेइज्जती की जाती थी। तो इस टाइप के जो लोग हैं मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको लोगों ने देख लिया जो सिवाय लड़ाई झगड़े के और के अड़चन पैदा करने के जो मेयर रही हैं पीछे उसको दोबारा टिकट दे दी और हमारी तो जीत उस दिन हो गई थी जिसने उसको टिकट दी और साथ में कुल भूषण जी गोयल हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आ गए थे लोगों ने मान लिया लोग कह रहे हैं यार ये इतना बढ़िया आदमी कुलभूषण गोयल और ये इसका कार्यकाल पैसे वैसे ही था सारा और वो इलाज फिर हैं वही ज्ञानेंद्र गुप्ता जी हैं पहले से मजबूत हुए स्पीकर हैं गवर्नमेंट है ऊपर अगर फिर बाई चांस लोग गलती से ऐसा कर देते हैं तो वही झगड़ा रहेगा और रहेगा फायदा क्या है उसका। जो शहर हमारा आगे बढ़ना चाहिए बहुत आगे जाना चाहिए वो अगर एक लेडी एक ऐसा कोई मेयर बने जिसकी नेगेटिव सोच हो जिसका घमंड राउंड से भी जिनकी किसी के परिवार का ज़्यादा हो तो फायदा क्यों उनको बढ़ाने से अच्छे आदमी बनाइए जो दानवीर भी हैं अच्छा है काम करेगा इंजीनियर है जिसको पता है इसी तरह जो पार्षद बने वो अगर गठबंधन के बनेंगे सारे बनते हैं और मेयर बनता है तो और काम होंगे और ये शहर जो हमारा आप देख रहे हो जिसको और अच्छा होना चाहिए था वो और अच्छा होगा फिर। तो भाइयों बहनों ये थे हमारे बीच में श्री ओपी सहयाग जी
जेजेपी के जिला अध्यक्ष, आपने इनके विचार सुने होंगे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा राहुल तिवारी के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।